नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। जी हां, ये हम नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान कह रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो भी चाहते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव टल जाए। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने दोबारा इस बात को दोहराया है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव तय समय पर होगा। इसको लेकर जहां सत्ता पक्ष पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, पहले से एक्साइटेड दिख रही है, जेडीयू हो बीजेपी हो वर्चुअल रैली कर रही है, तो वहीं अब उन्हीं की सहयोगी पार्टी एलजेपी ने यह कहा है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव अभी नहीं होना चाहिए, इसको टाल देना चाहिए। चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से घोषणाएं पर घोषणाएं की जा रही हैं, तैयारियां चल रही हैं। यहां तक कि विपक्ष भी जो कुछ दिन पहले चुनाव को लेकर आनाकानी कर रहा था, अब उसने भी मान लिया है कि अब चुनाव होना है तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन इसी बीच एनडीए के सहयोगी एलजेपी ने फिर से नया राग छेड़ दिया है और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाकर ये कह दिया है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव टाल देना चाहिए। रामविलास पासवान का कहना है कि हमें नहीं पता कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं लगेगा, कुछ भी रीजन हो, कुछ भी लगाना हो, लेकिन चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने कोरोना का जिक्र करते हुए कहा है कि बिहार में कोरोना से बदहाल स्थिति है, बाढ़ से 75 लाख की आबादी परेशान है और जान जोखिम में डालकर चुनाव करवाना सबसे गलत होगा। उनका कहना है कि जब चुनाव होंगे तो कई सारे पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी, लाखों की संख्या में जो कर्मी हैं वो वहां पर मौजूद होंगे, लाखों की संख्या में वोटर्स आएंगे, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, साथ ही साथ कोरोना वायरस से लोगों को बचाना, ये बड़ी चुनौती होगी। इसलिए फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए बिहार में विधानसभा का चुनाव टाल देना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में 10 अगस्त तक कोरोना वायरस का संक्रमण 82,000 के पार पहुंच चुका है, मतलब 82,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस अभी तक मिल चुके हैं। बीते 2 हफ्ते की बात करें तो हर दिन 2,000 से अधिक संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं बाढ़ से प्रभावित इलाके भी बढ़ते जा रहे हैं, नए नए इलाकों में बाढ़ का पानी घुसता जा रहा है। करीब 14 ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हैं और 75 लाख की आबादी इस बाढ़ की त्रासदी को झेल रही है। ऐसे में इस पूरे चीजों का ब्यौरा देते हुए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से एनडीए में भी थोड़ी खटपट चल रही है, जेडीयू और एलजेपी के बीच समन्वय बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान बीजेपी को लेकर सॉफ्ट नजर आते हैं, लेकिन जेडीयू को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक होते हैं। हालांकि बीते दिनों जब नीतीश कुमार से फोन पर उनकी बातचीत हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ शायद ठीक हो चुका है, लेकिन इसके बाद फिर से लगातार चिराग पासवान की तरफ से भी ये मांग किया जाना कि बिहार में विधानसभा का चुनाव नहीं होना चाहिए, पार्टी लाइंस, इनफैक्ट पूरे एनडीए पार्टी के अपोजिट ये बयान देना कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो है वो खड़े करता है। और ऐसे में ये बार बार जो मांग की जा रही है उससे ये दिखाने की कोशिश और बताने की कोशिश ये की जा रही है कि शायद एनडीए में एकमत या फिर एकजुटता जो है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वो बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।